दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, धनतेरस दिवाली पर करीब 20 रुपए का खर्च, उम्र भर रहेगी लक्ष्मी आपके घर और ऐश करेंगे। दोस्तों, सिर्फ 20 रुपए में कर सकते हैं इस दीपावली माँ लक्ष्मी को प्रसन्न। इतने सरल उपाय की हर कोई कर सकता है। दोस्तों, इतने कम पैसे में भी आप लक्ष्मी जी को खुश कर सकती हैं। यह जरूरी नहीं है कि आप सोना चांदी हीरा मोती ही खरीदे तभी लक्ष्मी माँ प्रसन्न हो। लक्ष्मी जी एक छोटे से उपाय से भी बहुत प्रसन्न हो जाती है। दोस्तों, भगवान श्रद्धा देखते हैं। श्रद्धा भाव से आप पूजा करोगे तो वही पूजा सफल हो जाएगी। तो दोस्तों, यह छोटे छोटे उपाय करके आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपके जानकारी के लिए मनी है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो देखें, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सिर्फ 20 रुपए में कर सकते हैं इस दीपावली माँ लक्ष्मी को प्रसन्न। इतने सरल उपाय की हर कोई कर सकता है। दोस्तों, माँ लक्ष्मी बहुत सरलता से प्रसन्न हो सकती है और इसके लिए आपको बहुत अधिक धन खर्च करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 20 रुपए के सरल उपायों से आप माँ लक्ष्मी को अपने घर पर हमेशा के लिए रोक सकते हैं। दोस्तों, दिवाली पर महालक्ष्मी को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी पूजन हर घर में होता है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी चीजें हैं जो महालक्ष्मी को बेहद प्रिय है। जिस घर में यह चीजें होती है वहाँ देवी लक्ष्मी साक्षात स्वरूप में वास करती है। तो उम्र भर लक्ष्मी को अपने घर में रखने के लिए दीपावली पर करें 20 रुपए का खर्च और घर ले आएं यह सामान। दोस्तों, कुछ ही दिनों में धनतेरस के साथ दिवाली 2023 का त्योहार शुरू होने वाला है। धन त्रयोदशी और धनवंतरी त्रयोदशी के रूप में भी जाना जाने वाला यह त्योहार दिवाली उत्सव की शुरुआत करता है। नई शुरुआत करने, सोना और चांदी, नए बर्तन और अन्य घरेलू सामान खरीदने के लिए एक शुभ दिन माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी या 13वें चंद्र दिवस पर मनाया जाता है। धनतेरस पर धन के देवता भगवान कुबेर के साथ देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। धनतेरस को आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के अवतार भगवान धन्वंतरी का जन्म सागर मंथन के दौरान एक हाथ में अमृत से भरा बर्तन और दूसरे हाथ में आयुर्वेद के साथ हुआ था। उन्हें स्वास्थ्य उपचार और आयुर्वेदिक चिकित्सा का हिंदू भगवान माना जाता है और उन्हें दुनिया भर में आयुर्वेद का ज्ञान फैलाने का काम सौंपा गया था। क्या आप जानते हैं कि धनतेरस पर नमक भी खरीदना शुभ होता है? आइए जानते हैं धनतेरस के शुभ दिन नमक क्यों खरीदना चाहिए और नमक के कौन से उपाय करने चाहिए जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। दोस्तों, धनतेरस पर एक नए नमक का पैकेट खरीदे तो उसी का इस्तेमाल घर के भोजन में करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से घर की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है और धन दौलत में वृद्धि होती है। दोस्तों, यदि घर में क्लेश बढ़ रहा है तो लाए हुए नए नमक में से थोड़ा सा नमक पानी में डालकर इससे पूरे घर में पोछा लगाएं। नमक के पानी से पोछा लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में क्लेश दूर होता है। दोस्तों, धनतेरस और दिवाली के दिन नमक का पैकेट खरीदकर घर लाएं और उसे खाना बनाने में उपयोग करें। इससे सारा साल लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। दिवाली के रोज नमक के पानी का पोछा लगाने से गरीबी दूर होती है। इसके अतिरिक्त घर के उत्तर पूर्व कोने में थोड़ा सा नमक कटोरी अथवा डिबिया में डालकर भी रख सकते हैं। इससे नकारात्मकता खत्म होगी और धनागमन के साधन बनने लगेंगे। दोस्तों, धनतेरस के दिन साबुत धनिया खरीदे। दीपावली की रात लक्ष्मी जी के सामने साबुत धनिया रखे रहने दे। अगले दिन प्रातः साबुत धनिये को गमले में बो दे। ऐसी मान्यता है कि अगर साबुत धनिये से हरा भरा स्वस्थ पौधा निकले तो आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहती है। अगर धनिये का पौधा पतला है तो सामान्य आय होती है।
पीला व बीमार पौधा निकले या पौधा नहीं निकले तो आर्थिक परेशानियां आती है। दोस्तों, धनतेरस के दिन कौड़ी खरीद कर घर लाएं और अटूट धन प्राप्ति हेतु दीपावली की रात्रि महालक्ष्मी का षडोशोपचार पूजन कर केसर से रंगी कौड़ियां समर्पित कर पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। दोस्तों, घी में कमल गट्टे मिलाकर लक्ष्मी का भोग करने से व्यक्ति राजा जैसा जीवन जीता है। इसके अतिरिक्त 108 कमल गट्टों की माला लक्ष्मी जी पर चढ़ाने से व्यक्ति को स्थिर लक्ष्मी प्राप्त होती है। धन और बरकत के लिए कमल गट्टा की माला घर में रखें। दोस्तों, शुभ मुहूर्त देखकर बाजार से गांठ वाली पीली हल्दी अथवा काली हल्दी को घर लाएं। इस हल्दी को कोरे कपड़े पर रखकर स्थापित करें तथा षडोषोपचार से पूजन करें। दोस्तों, लोक मान्यता के अनुसार धनिया, हल्दी, कमल गट्टा, कौड़ी और क्रिस्टल नमक को एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर पोटली बना ले। लक्ष्मी मंदिर में जाकर इस पोटली का देवी लक्ष्मी के चरणों से स्पर्श करवाकर तिजोरी अथवा धन रखने के स्थान पर रखें। घर अथवा कारोबार में कभी भी धन संबंधी परेशानियां नहीं आएंगी। दोस्तों, धनतेरस पर क्यों खरीदते हैं नमक? धनतेरस के पावन पर्व पर सोना, चांदी, बर्तन, झाड़ू खरीदने के साथ नमक भी जरूर खरीदना चाहिए। नमक खरीदने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। आपके घर में सुख समृद्धि और जीवन खुशहाल बना रहता है। धनतेरस पर नमक खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान। दोस्तों, धनतेरस के दिन नमक का एक पैकेट जरूर खरीदे। नमक आप खुद के पैसों से खरीदे, किसी से उधार या खर्च लेकर ना खरीदे। किसी से नमक मांग कर ना लाएं। खरीदे हुए नए नमक को ही खाना बनाने के दौरान इस्तेमाल करें। दोस्तों, इससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। इस नमक को पानी में डालकर पोछा लगाएं, इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, दुख दर्द दरिद्रता आदि समाप्त होती है। दोस्तों, धनतेरस के दिन घर के कोने में एक कांच की कटोरी में नमक डालकर उत्तर पूर्व दिशा में रख दें, इससे धन दौलत में कमी नहीं होती है, आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकती है। दोस्तों, धनतेरस के दिन बच्चे को नमक वाले पानी से स्नान कराएं, इससे बच्चा बुरी नजर से बचा रहेगा, वह स्वस्थ भी रहेगा। दोस्तों, यदि आपके बिजनेस में नुकसान हो रहा हो तो थोड़ा सा नमक हाथ में लेकर सिर पर 3 बार घुमाकर दुकान के बाहर फेंक दे, इससे बिजनेस में तरक्की होगी। दोस्तों, इससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। इस नमक को पानी में डालकर पोछा लगाएं, इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, दुख दर्द दरिद्रता आदि समाप्त होती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।